फ्रॉम कटरा वैष्णो देवी। तो आज हम लोग सुबह अब उठ गए हैं, अराउंड 10 बज चुके हैं, अब उठे हैं। अब एक्चुअली कल जो है हम लोग वैष्णो देवी के लिए जो हमने प्लान किया, जो हमने सोचा था, वो एक्चुअली प्लान के थ्रू गया नहीं। अर्धकुमारी में हमें बहुत टाइम लग गया। उसके बाद जो है हमने बैटरी वाली गाड़ी के लिए पता करा तो वो उस समय बंद हो गया था। लकली मतलब मेरे साथ बस 7 लोग थे और उन्होंने बोला भी नहीं होगा अब शाम को 5 बजे, तो आई थॉट कि चलना ही सही रहेगा, प्लेन रास्ता चल लेते हैं। निकल गए हम लोग वहाँ से, मंदिर पहुँचे, दर्शन किए, बट तब तक मैं जो है केबल कार बंद हो जाती है क्योंकि केबल कार की टाइमिंग है कि मॉर्निंग में 7:15 टू शाम के 5:15 तक ही चलती है, तो वो बंद हो गई थी। तो अब भैरव मंदिर जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना था, तो वी टुक द घोड़ा वाला थिंग, तो घोड़ा लिया हमने वहाँ से और घोड़े से फिर हम लोग 2 घोड़े करके हम लोग ऊपर गए। दे चार्ज अस अराउंड 400 रुपीज ईच, बट ठीक है, मतलब अगर केबल कार से जाते सस्ता पड़ता, बट चढ़ाई बहुत थी एंड देन हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमारे हिम्मत ही नहीं थी कि हम पैदल कर पाते वो, एंड देन हमें सेम डे वापस लौटना ही लौटना था। तो हमने फिर वो चढ़ाई करी, भैरव मंदिर के दर्शन करे, आरती में ही हम लोग खड़े थे एंड देन वहाँ से निकले। तो रात वहाँ से निकले थे तो हमें 8:30-9 बज रहे थे और होटल पहुँचते हमें रात में 3 बज गए, क्योंकि हमने आधा रास्ता तो बहुत जल्दी क्रॉस किया था। मतलब ये आधा रास्ता हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.25 घंटे में क्रॉस कर दिया, 1.5 घंटे के आसपास में क्रॉस कर दिया था, बट अर्धकुमारी के बाद हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमारे पैर ही नहीं चल रहे थे। इट्स बिन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम इतना चले थे और ये सब, तो मतलब 30-35 किलोमीटर मतलब हाँ टोटल इतना चले थे, तो मतलब हिम्मत ही नहीं थी यार बिल्कुल चलने की। बट हाँ ठीक है, करते करते धीरे धीरे, फिर हमारे साथ लव्यांश भी था तो लव्यांश को बहुत दिक्कत थी, बट हाँ अभी बहुत चला। मतलब कहते हैं ना कि एक बच्चा, हमने तो नहीं सोचा था कि इतना चल पाएगा, बट हाँ बहुत चला। एंड देन रात में हम आए अब होटल में, अब मॉर्निंग हो गई है, अभी आँख खुली किसी तरह से, बट पैरों में अभी भी बहुत दर्द है। आई एम नॉट श्योर कि आगे का क्या प्लान होता है। आगे का प्लान था पटनी टॉप वगैरह जाके घूम के आने का, बट अभी नहीं है कुछ आइडिया। फिलहाल तो सुबह हो गई है, अपनी मैगी बन रही है। ये सेटअप तो हम हमेशा लेके चलते हैं, आपने देखा ही होगा। तो फटाफट से जो है मैगी खाते हैं, और देखते हैं फिर तैयार व्यार होते हैं, कहाँ निकलेंगे, कैसे क्या प्लान करेंगे, वो तो अभी थोड़ी देर के बाद ही हमें पता चलेगा। इन द मेन टाइम आपसे मिलते हैं ज़रा तैयार होके और फिर देखते हैं क्या प्लान होता है। चलिए मैगी खाते हैं जब तक। तो हम लोग अब निकल गए अपने सफ़र पे और अभी यहाँ से हम जाएंगे, हमने जो प्लान किया है वो अमृतसर जाएंगे, गोल्डन टेम्पल अगर चले गए पहुँच गए तो फिर देखते हैं। तो रास्ते में हम निकल चुके हैं, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं भी तो अब निकलते हुए जो है सबको बाय बाय करते हैं यहाँ से। तो बाय बाय जम्मू कटरा वाले, माता के दर्शन बहुत अच्छे हुए इस बार, भगवान से दुआ करता हूँ, माता से दुआ करता हूँ कि दोबारा जल्दी बुलाना। बाकी भवन यहीं से दिख रहा है आपको, वो रहा भवन, वहाँ से हेलीकॉप्टर की सर्विस रहती है, वहाँ भवन पर ले जाती है। अब जैसे वो देखो हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो चलते हैं फटाफट से, गाड़ी तैयार है, सब लोग तैयार हैं, चलते हैं। की बात कर रहे थे कल, एक्चुअली जब हमने चढ़ाई करी तो हमने शूज़ पहन के नहीं करी, थोड़ा मेरा प्लान था कि पैदल भी जा सकता हूँ, मतलब नंगे पैर भी जा सकता हूँ, इस चक्कर में जो है शूज़ पहने नहीं और बैंड बजी है हमारी बहुत ज़्यादा वाली, बट स्टिल अभी तो बेटर है, सब कुछ लेकर आए थे तो उसकी वजह से जान बच गई है। और रास्ते का तो क्या ही कहना यार, रास्ते तो बिल्कुल मतलब यार अल्टीमेट है, मतलब दिल्ली से भी अच्छी रोड्स कह लूँगा मैं तो, दिल्ली से भी अच्छी रोड्स हैं यार यहाँ पे। मैं एक्चुअली रुक गया था आप लोगों को नज़ारे दिखाने के लिए, क्योंकि इतने सीनिक ब्यूटी है ना यार, मतलब यहाँ पे तो आपको क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ब्यूटीफुल है यार, मतलब जो मेरे पीछे है, मतलब मेरे सामने जो है ना वो बहुत अमेजिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देख रहे हो नज़ारे, इतनी सीनिक ब्यूटी है ना यार, मतलब बहुत ही अमेजिंग। और रोड्स तो यहाँ के यार अमेजिंग ही हैं, बहुत अच्छे रोड्स नहीं है
वहाँ पार्क करी है। एक अमेजिंग व्यू है जिसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं और आपको भी देखने को मिलेगा जब इस रोड पे आप आओगे तो। वेरी गुड, कम ऑन, लेट्स डू इट लवेंश। अभी आपको व्यू दिखाते हैं इसके पार क्या है। चढ़ो आओ, कूड़ा कौन करता है यार। ये है मतलब एक अलग ही दुनिया। एंड देन इसके बाद जो व्यू है ना, गेस करो क्या हो सकता है। बर्फ की तो दुनिया नहीं है, बट अमेजिंग ट्रेन है यार। अमेजिंग मतलब सुसाइड पॉइंट कह लो उसको, बट बहुत अमेजिंग है। Here we go. पहाड़ पे हैं हम लोग। नानू पानी जाती। Denim jeans, broken dreams in my pocket. Couldn't think around my neck like a locket. Carve your name in my mind, 'cause you carved it. Golden, honestly, you know it. Me under the streetlights.